जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपका पिछला वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का निकला हुआ था उसका एक पेपर है। तो आज हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं ताकि जो आपका अगला एग्जाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का दिसंबर 2023 में होने वाला है, उस एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर पाओ। तो आज हम कंप्यूटर के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपका 10 अंक का कंप्यूटर पूछा जाता है। इसके अलावा जीके जीएस और रीजनिंग, इसका पहले से ही प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करा चुके हैं। अगर आप जीके जीएस और रीजनिंग का प्रीवियस ईयर का पेपर देखना चाहते हैं तो वीडियो प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप किस राज्य से मेरे वीडियो को देख रहे हो, उस राज्य का नाम लिख दीजिएगा, जय हिंद लिख दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करो, क्योंकि आपके लिए दोस्तों इतना मेहनत करते हैं और आपके लिए प्रीवियस ईयर के पेपर ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। तो यार दोस्तों, लाइक तो बनता है। और आपका जो सेक्शन है वो कंप्यूटर के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक जानकारी जरूर देना चाहूँगा, मैं आप कम से कम आपका 10 से आपका प्रीवियस ईयर का पेपर कंप्यूटर का सॉल्व करा चुका हूँ। उसमें मैं जितना भी प्रश्न देखा हूँ उसमें आपका एम एस वर्ड पावर पॉइंट और एक्सेल, इन तीन टॉपिक से आपके 10 में से मुश्किल से आपके 7 और 8 प्रश्न आपका इसी में से पूछ गए हैं, एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से। तो आपको इन तीन टॉपिक को अच्छे से कवर करना है, ठीक है। तो आपका जो पहला प्रश्न है इसको देखेंगे शॉर्टकट की से। क्रोम ब्राउजर में वेब पेज का सोर्स कोड देखने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा आपका शॉर्टकट की यूज करेंगे, वो है आपका Ctrl+U। कौन सा शॉर्टकट की? Ctrl+U। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। जैसे कि आपको पहले से पता है AY आपका आंसर की है, तो इसमें आपका जो आंसर है वो पहले से हाईलाइट हो रखा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, MS Excel वर्कशीट में B5 सेल को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट कुंजी दबाने पर और फिर G9 सेल पर क्लिक करने पर कुल कितने सेल सिलेक्ट किए जाएंगे? तो कितने आपके सेल सिलेक्ट किए जाएंगे? तो आपके 30 सेल सिलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। तो ये देखिए आपका MS Excel से आपका पहला प्रश्न आ गया। अगला प्रश्न है, देखो अगला प्रश्न आपका MS Word से आ गया। तो आपका MS Word, Excel और पावर पॉइंट यहीं से आपके प्रश्न बन रहे हैं, तो इसी को अच्छे से आप कवर करो। यही तो एक फायदा होता है कि भाई प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओगे तो यही तो फायदा होता है कि आपको पता चल जाता है कि भाई यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, तो आप वहीं से आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। और वीडियो में पूरा देखो, वीडियो में पूरा देख दो, 3-4 मिनट देखोगे और चले जाओगे। अगला प्रश्न है, MS Word के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से आपके 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना कौन सा आपका असत्य है, असत्य वाला आपका सही होगा। तो इसमें आप ऑप्शन 2 पढ़ेंगे, डॉक्यूमेंट फाइल में हेडर और फुटर दोनों नहीं होते हैं, तो ये आपका बिल्कुल भी आपका गलत है। तो आपका ऑप्शन 2 आपका सही होगा, ठीक है। ये आपका कथन आपका असत्य है, तो आपका यही सही होगा, ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, देखो अगला प्रश्न आपका एक्सेल से आ गया। MS Excel वर्कबुक में पहली वर्कशीट का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? तो क्या होता है? तो पहली वर्कशीट का डिफॉल्ट नाम होता है Sheet 1। क्या होता है? Sheet 1 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, MS Word डॉक्यूमेंट के अंत तक जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो अंत तक अगर आपको जाना है तो कौन सा शॉर्टकट की उपयोग करेंगे MS Word में? तो आप Ctrl+N दबाओगे। क्या दबाओगे? Ctrl+N, ठीक है। तो आप अंत तक पहुंच जाओगे। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, W36 का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका जो W3C है इसका पूर्ण फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोरियम। क्या है? अरे यार कंसोरियम, क्या है? कंसोरियम, ठीक है ना। थोड़ा यार रुको, एक तबीयत यार, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोरियम। क्या है? कंसोरियम, ठीक है ना। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। थोड़ा यार तबीयत सही नहीं है, बुखार भी है, जुखाम है, फिर भी आपका वीडियो बना रहा हूँ यार, जरूरी है यार, नहीं तो। निम्नलिखित MS Excel फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? तो जब आप MS Excel खोलोगे, ठीक है, उसमें जब ये फॉर्मूला आप टाइप करोगे
तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका परिणाम क्या होगा, ये उसने पूछा है। तो जब आप ये फॉर्मूला टाइप करोगे एम एस एक्सेल में तो आपका ए का बनेगा, क्या बनेगा, एक बनेगा। तो ऑप्शन फोर आपका राइट आंसर है। तो आपका फॉर्मूले से भी आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, ये देखिए, डी ओ एक्स फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से किसमें सबसे पहले परिचित किया गया था, तो किसमें सबसे पहले परिचित किया गया था, ये सबसे पहले एम एस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में ये आपका परिचित किया गया था। तो ऑप्शन थ्री आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य स्पष्ट कीजिए। तो आपके ये दो आपके पैराग्राफ दिए गए हैं, कथन दिए गए हैं, जिनसे आपको बता रहा हूँ कौन सत्य है और कौन सा असत्य है, यानी कौन सही है कौन सा गलत है। तो पहला पढ़ेंगे, एम एस वर्ड में एक पैराग्राफ को दोहरी लाइनों के साथ रेखांकित या अंडरलाइन किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, एम एस वर्ड में एक पैराग्राफ में एक ही वाक्य हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो किसमें आपका सत सत दिख रहा है, सत असत, आपका इसमें ऑप्शन फोर में सत सत है, तो आपका ऑप्शन जो फोर है बिल्कुल सही होगा। अगला और आखिरी प्रश्न है, क्योंकि इसमें जो आपका कंप्यूटर है वो आपका 10 अंक का पूछा जाता है। तो प्रश्न देखिए, ईमेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है, ऑप्शन टू देखेंगे, ईमेल में सीसी फील्ड खाली हो सकती है, तो आपका ये सत्य है, तो ऑप्शन टू आपका राइट आंसर होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको पता चल गया होगा कि भाई एम एस वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट से आपके प्रश्न पढ़ रहे हैं। इसके अलावा आपका जो कंप्यूटर फंडामेंटल जो कि आपका जीके जीएस है, वहाँ से आपके 2-3 या 4 प्रश्न, यानी आपका एम एस एक्सेल से आपके 6 प्रश्न आपके 100% आएंगे, एम एस एक्सेल पावर पॉइंट एम एस वर्ड से, यहाँ से 6 प्रश्न, बाकी आपका 7 भी हो सकते हैं, और बाकी आपका कंप्यूटर का जो जीके जीके होता है, जैसे WW का फुल फॉर्म, WW की रचना किसने की थी, ऐसा आपके प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। और भी आप वीडियो देखना चाहते हैं इसके, तो वो भी मैं कंटिन्यू लाता रहूँगा, तो रोज़ के 2-3 इतना आए तो मुश्किल से 3-4 दिन में समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। और जिसने नहीं देखे तो वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जय हिंद।